इस 23-24 साल के अनुभव के बाद कि सर अभी ये बिजनेस हिंदुस्तान में शुरू भी नहीं हुआ, ये शुरू भी नहीं हुआ सही मायने में, और अभी इस लेवल पे भारत में आरसीएम ने रिकॉर्ड बना दिया, इतनी ज्यादा सक्सेस रेट किसी भी कंपनी, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। हर कंपनियों में 1, 2, 3, 4 मुश्किल से सक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं, जानते हैं ना आप सब लोग। आरसीएम में लगभग 45 के आसपास तो कोर लीडर्स हैं, लगभग 25 के आसपास राइजिंग कोर लीडर्स हैं। हेलो, इसके अलावा कितने सारे रॉयल्टी अचीवर, कितने सारे टेक्निकल अचीवर, पूरी बाढ़ आई हुई है। इतना बढ़िया सिस्टम, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और उसके बाद इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट रखने वाला, पूरे वर्ल्ड में टोर्च लेके भी ढूंढोगे ना तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये हमारा आरसीएम है। मैं तो कहता हूँ कि आरसीएम करना हर व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है, आरसीएम का पहला उद्देश्य क्या जानते हैं आप सब लोग? इस पे लिखा हुआ क्या कहूँ, आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। ये सब लोग पहला उद्देश्य है, पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है कि आप स्वस्थ हो। मेरे को बताइए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो ये चाहता हो कि मेरे परिवार में बीमारियां हो, मेरा परिवार स्वस्थ ना रहे? कोई है क्या? नो। किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार स्वस्थ हो, और हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा है। हेलो, लोगों को पता नहीं है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, आपको बताने वाला बनना है। तैयार है? यस। यही तो काम है। दूसरा उद्देश्य क्या है हमारा? स्वावलंबन, आप स्वावलंबी बने, नए भारत का निर्माण और नारी सशक्तिकरण। ये चार उद्देश्य इतने शानदार है, कोई कंपनी के उद्देश्य ऐसे नहीं होते। मैं तो बहुत गर्व से एक बात बोलता हूँ कि हम ठीक है, हालांकि अभी बिजनेस शब्द हमने हटा दिया, हम बिजनेस नहीं बोलते, हमारा अभियान है ये वैसे सही में। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी संत हैं, चाहे भारत के हो साधु संत, उनके प्रवचन आप सुनोगे ना, अगर भक्त बन के नहीं सुनोगे, अंधभक्त बन के नहीं सुनोगे, दिमाग को कॉमन तरीके से आप सुनोगे, तो उसके पीछे छुपा हुआ बिजनेसमैन नजर आएगा। ये सुन लो, क्योंकि भक्ति में तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। आप किसी भी साधु संत को सुन लो, उसके पीछे छुपा हुआ बिजनेसमैन नजर आएगा आपको। लेकिन हमारे बाई प्रोफेशन बिजनेसमैन है TCG। हेलो, और इस बिजनेसमैन को सुनो, हर रोज आते हैं सुबह ऑनलाइन 6:30 बजे गुरुकुल के माध्यम से, इनको सुनोगे तो बिजनेसमैन के बेस में छुपा हुआ साधु नजर आएगा। यहाँ वो प्रोडक्ट कतई नहीं आ सकते जिन प्रोडक्ट से आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो। आप एक प्रोडक्ट को जानते होंगे, मैं बिहार, बंगाल में, झारखंड में, इधर मेरा काफी अच्छा ग्रुप है, कई लोग हमारे भाई बंधु होंगे उधर के, आप इशारे से ही समझ जाएंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है शायद। यस, समझ गया ना। अब मेरे को एक बात बताइए, ये प्रोडक्ट अगर आरसी में आ जाए तो कैसा रहे? जिस दिन आ जाए ना, उसी दिन मेरी इनकम 5 लाख बढ़ जाएगी। सच तो है ये, जैसे लो, लेकिन मुझे पता ही नहीं आएगा। यस, क्योंकि नुकसानदायक प्रोडक्ट है। बिहार में मेरे को एक भाई मिला, यू बोला सॉरी तुमने प्रोडक्ट है गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, एक प्रोडक्ट ये ले आओ, देखो रॉयल्टी तो यू ले लेना। मैं बोला भाई नहीं आएगा, है ना। पंजाब में मैं गया, पंजाब में एक बंदा था पूरा, यू बोला सर आप रॉयल्टी करो, रॉयल्टी छोटो अगले महीने टेक्निकल ले लेगा। मैं बोला मैं अगले महीने टेक्निकल तो आ ही नहीं सकता, 3 महीने तक मेंटेन करना पड़ता है सर। ना छोड़ो जी, छोड़ो मेंटेन छोड़ो जी, पहले ही महीने आप टेक्निकल ले लेना, बस एक प्रोडक्ट ले आओ। वो क्या? और हमें पता है ये नहीं आएंगे, ये सब। तो आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, जैसा ना। तो आपके पास इतना अच्छा, मतलब एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य पे हम लोग काम करते हैं। और बाहर मार्केट में, इस हाल से बाहर जितने भी लोग बेहाल घूम रहे हैं,
वो सारे के सारे लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं है कि कैसे रहा जाए। वो सब लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इन बिचौलियों के माध्यम से आते हैं, ये सुनो। और बिचौलियों के माध्यम से जो प्रोडक्ट आते हैं उनके डुप्लीकेट की गारंटी है, होगा ही होगा, बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। जो नए साथी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको, हैं कितने साथी हैं जो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं ऐसे हैं आप खड़े कर सकते हैं, काफी लोग हैं। एक बार आएंगे सर, आप नजदीक में बैठे हो, बुरा नहीं माने, आओ एक बार प्लीज, जोरदार तालियां बजाएं सर। आपका नाम? हेमराज सर। हेमराज जी हैं, ज्वाइन नहीं किया आपने? जी सर। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मान लेते हैं हेमराज जी, आप बताना, मान लेते हैं आप दुकानदार, मानना है वो नहीं, वो मुझे पता, मान लेते हैं आप दुकानदार हैं और ये भाई आपकी दुकान से सामान लेके जाता है और मैं हूं सप्लायर, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ दुकानदार भाई चाय कौन सी बेचते हो, तो आप कहोगे जी यहाँ फरीदाबाद में तो टाटा से नीचे चाय पीते नहीं जी, ब्रांडेड लोग हैं, ब्रांड के मारे हुए लोग हैं, टाटा मांगते हैं या ग्रुप बॉन्ड मांगते हैं, रेड लेवल मांगते हैं, जो भी कर ले। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उसमें कितना बचता है, मान लेते टाटा का, तो आप कहते हो जी उसमें मुझे 2 रुपए बचते हैं, और मैं बैग में से दूसरा टाटा का पैकेट निकाल के देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि ये पैकेट बेचो 2 की जगह 7 रुपए बचे। अब आप लोगे कि नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि मन में लड्डू फूटा। अब मेरे को एक बात, और ये सच में ही ऐसा हो रहा है, ये दुकानदार वो लेगा। अब आप सब लोग इससे सामान खरीदते हैं तो अब इसको तो 7 रुपए बच गए और आपके हाथ में आ गया डुप्लीकेट प्रोडक्ट, तो आपका क्या होगा कालिया? आपका क्या कसूर था? और ऐसा हो रहा है, और कई लोग कहेंगे नहीं जी डुप्लीकेट, मैं कहता हूं डुप्लीकेट आजकल बनाना इतना आसान हो गया है, आप खुद जानते हो नोट तक नकली पकड़ना मुश्किल हो गया, प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं। पहले है ना रैपर देख के पहचान जाते थे ये सुंदर है, ये ओरिजिनल है, ये बेकार है ना, आजकल डुप्लीकेट के रैपर ओरिजिनल वाले से भी अच्छे, प्रिंटिंग बहुत अच्छी होने लगी। दूसरे कई लोग सोचेंगे नहीं जी हम खुशबू से पहचान जाएंगे, हम यूज करके पहचान जाएंगे, तो माफ करना सर, सच्चाई बताऊं आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि ऐसी ऐसी चीजें डुप्लीकेट होने लगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपको डुप्लीकेट चीजें ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी लगेंगी। आपके हाथ में अगर मैं जीरा दे दूं ओरिजिनल और एक हाथ में नकली जीरा दे दूं तो क्या करोगे? उसको ज्यादा ज्यादा खा के देख लोगे, सुन के देख लोगे, हेलो yes. तो आप कहोगे ये ओरिजिनल है जबकि वो नकली मिलेगा। अभी 84,000 किलो नकली जीरा पकड़ा गया दिल्ली में, कितना? 84,000 किलो, थोड़ा नहीं होता। अब आप सोचोगे यार जीरा नकली कैसे बन सकता है, वो तो एक बीज है। तो मैंने एक मशीन देखी, उस मशीन में इधर से झाड़ू घुसाओ उधर से जीरा बाहर निकले, झाड़ू को फुहारी बांस वाली, मतलब आपको मशीन भी बढ़ा दिया गया। ऐसा होता है, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें नकली बनने लगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बताइए अंडा नकली बन सकता है क्या? लेकिन बनता है, छोटे छोटे चावल नकली बन जाता है, लैक्मे की और ये बड़ी बड़ी कंपनियों की लिपस्टिक और कॉस्मेटिक छोटे छोटे इतने गंदे से कमरे में बनते हुए बहुत से वीडियो आ चुके हैं। हेलो अभी एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जो कोका कोला और ये पेप्सी वगैरह रूम में बनाने लग रहे हैं। रूम में बना लिया, ऐसी ऐसी ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट होते हैं। मैं कहता हूँ आप कितने ही घोड़े खोल लो आपका पहचान में नहीं आएगा। मैं गंदा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप में से कोई व्यक्ति, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सर और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमें आर्थिंग करना चाहिए, ठीक है पैसा आता है वो बढ़िया बात है, हेलो ठीक है रॉयल्टी आती है वो बढ़िया बात है, पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हो सर, लेकिन जब आदमी बीमार होता है ना तो सारी जिंदगी भर की कमाई कब चला जाती पता नहीं चलता, हेलो बड़े बड़े जमीन बिक जाती है घर बिक जाते हैं सर। स्वास्थ्य इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबसे ज्यादा महत्व रखती है आरसी में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरसी का प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा हो ना तो भी लेना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल आज प्रॉब्लम पता क्या है? आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप बैठ जाइए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप माफी चाहते हैं, आप नए मेहमान हैं और आपको सीट नहीं मिल पाई, आप लेट आए होगे जरूर, अगली बार टाइम पे आना।
चलो हाँ जी, मैं आपको एक गंदा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से किसी को गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उनको यहाँ बुला लू और मैं जयप्रकाश जी के कान में बोल दू कि जब हर से बहुत बढ़िया दुकान, मैं उनको बोल दू बहुत अच्छी दुकान है यार, हफ्ते में आपके हमने गाजर का हलवा खाया, उससे बढ़िया गाजर का हलवा हमने आज तक देखा ही नहीं, और मैं लेके आऊ और उसने आँख पे पट्टी बांध दू और मैं जयप्रकाश जी के कान में बोल दू बाहर वहां एक गाय है अभी ताजा ताजा किया चलो और वो प्लेट में डाल के लेके आओ और उसके ऊपर मैं गाजर के हलवे का फ्लेवर छिड़क दू ना, वो इतना चाट चाट के खा जाएगा आदमी और ये कहेगा इससे बढ़िया गाजर का हलवा मैंने आज तक नहीं, ये हर हजक ये होता है चलो, दैट इज द रियल। मैंने एक एड देखी, दो तीन एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद आगे चलूंगा मैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एक एड देखी मैंने, आपने भी देखी होगी, जनरली मैं टीवी नहीं देखता लेकिन एक दिन गलती से खुल गया था, बहुत पहले की बात है, एक खूबसूरत सी कन्या का हाथ आता है टीवी में, बाद में आता हाथ उससे पहले एक आम आता है, हेलो पहले एक रसीला सा आम आता है, वो नीचे गिरता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बड़े स्लो मोशन में और वो सारे टुकड़े बोतल में बंद हो जाते हैं, देखिए वो एड। उसके बाद एक सुंदर सी कन्या का हाथ आता है, उस बोतल को पकड़ता है और स्लो मोशन में वो बोतल ऊपर लेके जाती है और उस बोतल में से एक टपका उसके सिर्फ एक टपका और वो उसे एक टपकोगे मतलब बहुत शानदार एड है। और मैं है ना, मैं आम का बहुत शौकीन हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आम, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ यार ये बढ़िया यार, अभी सीजन नहीं है, बोतल में अगर आम डाल दिया इससे बढ़िया क्या होगा। हाँ वो कैटरीना सही पहचान, वो कैटरीना की एड है और वो बोतल में खरीद लाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाद में मैं ढूंढ रहा कि शायद इस बोतल पे कहीं लिखा होगा कि इसके अंदर कौन सा आम डला है, हेलो जैसे अभी आरसीएम में भी एक स्क्रंच लॉन्च हुआ है अभी कल ही, जानते हैं हाँ मैंगो स्कॉच लॉन्च हुआ है अभी आरसीएम में, उसमें आम डला गया है अल्फेंजो, हेलो उसमें ओरिजिनल डाला गया है। अब मैं भी देख रहा हूँ कि इसके अंदर कौन सा डाला गया है, एल्फेंजो डाला गया है, लंगड़ा डाला गया है, चोटा डाला गया है, तो सैरी डाला गया है, क्या है देखू तो वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ नो एनी फ्रूट एंड फ्लावर इन साइड दिस बोतल टोटल फ्लावर बेस। और सुंदर सी कन्या का हाथ और वो दिखा के, अब मेरे को एक बात बताइए, आप अपने घर पे ओरिजिनल आम लेके आओ, उसका जूस बनाओ और एक गिलास में वो डालो और एक में वो केमिकल वाला डालो, आपके बच्चे को कौन सा अच्छा लगेगा, सबको पता है, आपको पता है कि ओरिजिनल कौन सा है, ये सुनो तो यही चीज है सर, ओरिजिनल चीजें हमें दरअसल अच्छी नहीं लगती। मैं ये नहीं कहता कि हमारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन अगर बाई चांस आपको ना भी लगे ना सर, उसको इस्तेमाल कर दो, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं कर सकते आज के दिन।